कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम जो है हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे कि हिटलर का उदय जो है वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे हमने पहले देखा था कि क्या क्या घटनाएं घटित होती है और किस प्रकार से जो नाजी पार्टी जो होती है या हिटलर जो होता है ये बहुत अधिक शक्तिशाली बनता है। तो इसका सबसे पहले कारण हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो जर्मनी जो था वहां की जो है अर्थव्यवस्था जो थी अर्थव्यवस्था राजनीति और सामाजिक दृष्टि से जो है काफी खराब चल रही थी। तीनों स्थितियां जो थी बहुत खराब चल रही थी। तो ऐसे स्थिति के अंदर जो है एक हिटलर जो होता है उसका उदय होता है। इन सब परिस्थितियों की वजह से जो है हिटलर का उदय होता है। अब कोई व्यक्ति जो होता है उसके प्रारंभिक जीवन का बहुत महत्व होता है कि उसका प्रारंभिक जीवन कैसा है, तब हिटलर के जीवन के बारे में जानेंगे। जीवन उसका परिचय ऑस्ट्रिया के अंदर जो है ।1889 के अंदर जो है हिटलर जो है इनका जन्म होता है। जन्म जो है 1889 के अंदर जर्मनी जो देश है उसके ठीक नीचे यहां पर जो है उसकी सीमा से जो है ऑस्ट्रिया लगता है। यहां ऑस्ट्रिया है, यहां पर जो है जर्मनी है। तो उस समय क्या होता था आप कुछ सोचेंगे कि भाई ये तो ऑस्ट्रिया का है और ये नाजीवाद पार्टी जो है ये जर्मनी की है। तो उस समय क्या था, यहां पर क्या था, राजतंत्र चलता था और यहां इस पूरे भाग के अंदर जो है एक ही प्रकार का जो है व्यवस्था थी, जर्मन भाषा बोल जाती थी, इसलिए जो जर्मनी से काफी जुड़े हुए थे। पहली बात आ गई हमारे अंदर कि भी इनका जो है जन्म जो होता है वो 1889 के अंदर होता है और ऑस्ट्रिया कहां पर है, ये जर्मनी के ठीक नीचे जो है होता है। इनके अंदर क्या थी, देशभक्ति की भावना जो है बहुत अधिक। तो ये क्या होते हैं, सेना के साथ से सेना में जुड़ जाते हैं, सेना में भर्ती हो जाते हैं। कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है ये सेना में भर्ती हो जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो संदेश जो होते हैं, मैसेज जो होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये इनका काम होता है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। पहले ये आर्टिस्ट भी बनना चाहते थे लेकिन आर्टिस्ट ये नहीं बन पाते हैं और उसके बाद जो है ये सेना में जुड़ते हैं और इनका काम होता है मैसेज देना, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ये अग्रिम मोर्चे के अंदर जो है लगे हुए होते हैं। इन्हें जो है कॉर्पोरल है, बहुत सारे जो मेडल है तमगे जो है वो भी इनको मिलते हैं, इनके बहादुरी के लिए इनको ये पुरस्कार वगैरह भी मिलते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होता है इसमें जो है जर्मनी जो है हार जाता है, तो इनको काफी जो है बुरा लगता है। और इससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है कि जैसे ही जर्मनी हारता है तो मित्र राष्ट्र जो होते हैं इनके ऊपर, जो हारे हुए जो लोग जो होते हैं उनके ऊपर एक संधि लगाते हैं जिसे कहते हैं वर्साई की संधि। और ये वर्साई की संधि जो होती है ये काफी अपमानजनक होती है। ये पूरे जर्मनी के नागरिकों के लिए भी जो देश प्रेम की भावना रखते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी काफी सारे कर लगाए जाते हैं, बहुत सारे उनके औद्योगिक क्षेत्र वगैरह जो है उन पर अधिकार कर लेते हैं, फंड्स वगैरह जो है
तो इन सभी घटनाओं के कारण जो है हिटलर जो होता है काफी परेशान होता है और दुखी भी होता है कि मैं जो है जर्मनी को वापस जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो बनाऊंगा। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। उन्नीस के अंदर जो है हिटलर जो होता है जर्मन वर्कर पार्टी जो होती है उसमें जुड़ जाता है। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है उसके अंदर जो है हिटलर जो है ये जुड़ जाता है। और बाद में जो है इसका प्रमुख भी जो है ये बन जाता है। आगे जाकर इस पार्टी का नाम ये बदल देता है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ये नाम रखता है। और इसी को हम जो है नाजी पार्टी या नाजी पार्टी के नाम से भी इसको जो है हम जानते हैं। तो देखो किस प्रकार से हिटलर जो होता है पहले सेना के अंदर सम्मिलित होता है, फिर उसके बाद में एक जर्मन वर्क्स पार्टी जो होती है उसके अंदर ही जुड़ता है, फिर उसका नाम जो ये चेंज कर देता है और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख देता है। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो गुण जो था वो था ये बहुत अच्छा एक वक्ता था, यानी बोलने के अंदर जो इसकी जो शैली जो थी काफी प्रभावित थी और उस समय की जो परिस्थितियां जो थी वो भी इनके अनुकूल थी कि देश के अंदर जो है काफी जो है अपमानजनक जो कार्य हो रहे थे, आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, बेरोजगारी जो है काफी बढ़ रही थी। तो ये अपने भाषणों के माध्यम से जो है जनता को जो है काफी मात्रा में जो है प्रभावित कर रहे थे। तो ये घटना इस प्रकार से घटती है और जर्मनी को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी अपमानजनक कार्य हुए उन सबको मिटाने के लिए जो है ये अपने भाषणों में कहता है और जनता जो होती है इसके प्रति जो है काफी आकर्षित होती है। तो इनके भाषणों की इसी शैली जो होती है जोश वाले जो भाषण जो होते हैं जो जनता को काफी जो है प्रभावित करते हैं और जनता उसकी तरफ खींची जा भी जाती है। अब हम देखेंगे 1923 की घटना के बारे में कि 1923 के अंदर जो है क्या होता है कि ये एक योजना बनाता है कि जर्मनी का एक राज्य है जिसका नाम है बवेरिया, कि इसके ऊपर जो है अपना जो है अधिकार करके यानी कंट्रोल करके जो है बाद में जो है बर्लिन पर जो है कंट्रोल करेंगे, बर्लिन जर्मनी के अंदर ये। तो ये एक योजना बनाता है लेकिन इस योजना का पता चलने से जो है देशद्रोह के आरोप में जो है इनको कैद कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद में जो इन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। बाद में लगभग 9 महीनों के बाद में इसे वापस जो है छोड़ दिया जाता है। अब जो है जैसे ही ये छूटते हैं तो इनके मन में ऐसा होता है कि यहां के जो संसद जो है राइक्सटांग पार्लियामेंट वहां पर जो है अपना प्रभाव जो है बढ़ाया जाए, राजनीतिक पार्टी के रूप में जो है आगे बढ़ा जाए। तो ये क्या करते हैं कि 1929 के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों को जो है इनकी पार्टी जो होती है नाजी पार्टी जो होती है उनको मात्र जो है 2.6% जो है वोट लेते हैं जो काफी कम होते हैं। अब 1929 का जो समय जो होता है ये काफी खराब समय चल रहा होता है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई होती है, काफी अपमानजनक जो है संध्या के द्वारा जो है जो विजित जो राष्ट्र होते हैं वो इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर जो जर्मनी के हालात जो खराब हो रखे होते हैं उस समय ये जर्मन जनता को जो है अपने प्रोपोगेंडा के माध्यम से
प्रोपोगेंडा का मतलब होता है प्रचार। ये इस प्रकार से प्रचार करता है कि जनता जो होती है उनको प्रभावित किया जा सके, ये सारे कार्य इनके द्वारा जो है किया जाता है। अब ये क्या करता है जान लीजिए, ये कई तरह के जो है प्रचारों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करता है। और 1932 के अंदर जो है इसकी पार्टी के जो चुनाव होते हैं तो 37% जो है उनको वोट मिलते हैं, और 37% वोट मिलने के बाद में जो है पार्लियामेंट के अंदर संसद के अंदर जो है सबसे बड़े दल के रूप में ये उभर के आते हैं। और इस प्रकार से जो है हिटलर का जो है उदय होता है, किस प्रकार से पार्टी जो है मजबूत पार्टी बनती है। अब हम देखते हैं प्रोपोगंडा के अंदर ये क्या करते हैं कि ये अपनी एक छवि इस प्रकार से बनाते हैं कि जितने भी तरह के जो आपके जो संकट है जो है भविष्य जो है हम बेहतर बना देंगे। तो भविष्य बेहतर बनाने के लिए ये वादे करते हैं, ठीक है, राष्ट्र को जो है मजबूत बना देंगे, जितने भी अपमान हुए हैं उन सबका जो है मुंह तोड़ जो है हम जवाब देंगे, बदला लेंगे। इस प्रकार के जो प्रचार किया जाता है और साथ में ये कई तरह के जो है लोगों की भीड़ इकट्ठी करना, परेड निकालना, सैल्यूट करना, आगे आकर के जो है शपथ वगैरह लेना करना, और काफी भीड़ वगैरह ऐसा दिखाता है, ऐसी अपनी छवि बना लेता है कि जनता के अंदर जो है काफी जो है प्रसिद्ध हो जाता है। और इस प्रकार जो है आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जो घटनाएं घटित हुई थी उसी के वजह से जो है हिटलर जो होता है वो एक प्रमुख जो है पार्टी के रूप में, नाजी पार्टी के रूप में उभर के जो है आते हैं और अपनी शक्ति जो है वो बढ़ाते हैं। अब हम आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि वो पार्टी के रूप में जीत के आ रहे हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसने लोकतंत्र को जो है समाप्त कर दिया था। तो उसके बारे में हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।